भगवान के पास इतना करीब बैठता था कि उनको केवल एक बिना पलक झपके एक नज़र से देखता ही रहता था। क्यों? भगवान थे ही ऐसे, क्योंकि उनमें ऐसा महापुरुष लक्षण था। तो भगवान कहते हैं इस दो महापुरुष लक्षणों की यही विशेषता है। और भगवान कहते हैं भगवान में एक महापुरुष लक्षण होता है 19 शीर्षता, माने उनके सर के ऊपर एक उपशीर्ष की तरह भार होता है। तो भगवान कहते हैं ये किस पुण्य कर्म के कारण? तो भगवान कहते हैं कि तथागत ने अपने पिछले जन्म में मनुष्य लोक में ऐसा कर्म किया कि जो सबसे श्रेष्ठ हो। जब समूह से कोई दान देता तो उसे और श्रेष्ठ दान देता, अगर कोई वस्त्र दान देता तो उसे श्रेष्ठ वस्त्र दान देता, कोई भोजन दान देता तो उसे और श्रेष्ठ भोजन दान देता, कोई अच्छा घर देता तो उसे और अच्छा घर दान देता। मतलब हर चीज़ जो दक्षिणीय है, दान देने योग्य है, वो हर चीज़ उसने अग्र रूप से दान दी है। इस कारण से उनको ये महापुरुष लक्षण मिला। भगवान कहते हैं इस लक्षण से युक्त अगर वो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, तो उसको इस पुण्य कर्म के प्रताप से या इस महापुरुष लक्षण के प्रभाव से क्या मिलता है? तो भगवान कहते हैं उनको इतना पुण्य इतने अनुयायी होते हैं कि कहना ही क्या। ऐसे तो चक्रवर्ती सम्राट के अनुयायी बहुत होते, सारे पृथ्वी के राजा, राजकुमार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सब कुछ उनके अनुयायी होते हैं। इस तरह उस सम्राट को मिलता है। और भगवान कहते हैं अगर वो लक्षण से युक्त सम्यक संबुद्ध बन जाए तब उनको क्या मिलता है? तो भगवान कहते हैं उनको भी इसी प्रकार के बहुत सारे अनुयायी होते हैं, भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक उपासिकाएँ, देवता, गंधर्व, यक्ष आदि सभी। तो ये है इस महापुरुष लक्षणों की विशेषता। भगवान में और एक लक्षण होता है एक एक लोमता। उनके हर रोम चित्र में केवल एक ही रोम धातु होता है, दो नहीं होते। तो भगवान कहते हैं ये किस पुण्य कर्म के हिसाब से? तो भगवान हमेशा सत्य का व्यवहार करते हैं, अपने पिछले जन्म में मनुष्य लोक में रहते हुए सत्य का सत्यवाणी बोलते हैं। कितना भी संकट क्यों ना आए, प्राण भी जाए, लेकिन सत्य को कभी छोड़ते नहीं। इस प्रकार सत्यवादी होने के कारण उनको ये महापुरुष लक्षण मिलता है। और इस लक्षण से युक्त अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो हर कोई व्यक्ति उस सम्राट के वचन पर विश्वास रखता है। कोई भी बात क्यों ना बोले, हर कोई व्यक्ति सहज रूप से उसकी वाणी पर विश्वास रखता है। ये इस महापुरुष लक्षण का रहस्य है। और भगवान कहते हैं अगर सम्यक संबुद्ध बन जाए तब उनको क्या मिलता है? तो भगवान की वाणी तो वाणी होती है, उनकी वाणी पर तो हर कोई विश्वास रखता ही है। ये इस महापुरुष लक्षण की विशेषता है। फिर महापुरुष लक्षण होता है 44 दंता अविरल दंता, यानी उनको 40 दांत होते हैं और अविरल बिना छिद्रों के दांत होते हैं। भगवान कहते हैं इस महापुरुष लक्षण प्राप्ति में क्या पुण्य कर्म है? तो भगवान कहते हैं अपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में जब मनुष्य लोक में थे तब उन्होंने कभी भी चुगली नहीं की। दो व्यक्ति अगर प्यार से रहते हो तो उनमें कभी फूट नहीं डाले, दो लोगों को और भी मित्रता से रहने के लिए ही उपदेश दिया या प्रयास किया। इस पुण्य कर्म के प्रभाव से उनको ये महापुरुष लक्षण मिला। और इस महापुरुष लक्षण से युक्त अगर चक्रवर्ती सम्राट बनता है तो भगवान कहते हैं कि उस चक्रवर्ती सम्राट
कि कोई भी बात क्यों ना हो हर कोई स्वीकार कर लेता है। अगर उन्होंने आदेश दिया तो तुरंत स्वीकार करते हैं और हर कोई आदेश पाने के लिए ही हमेशा सामने खड़ा रहता है हाथ जोड़कर कि कोई आदेश दे और मैं उसका पालन करूं। ये लाभ होता है। आपके भी घर में बहुत सारे लोग होते हैं, आप चाहते हैं कि वो मेरे आदेश का पालन करें, वो नहीं पालन करते तो शायद आपका उस प्रकार का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आज्ञा का पालन करने वाले लोग बने तो इस प्रकार का पुण्य करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध बनने की बात तो कहना ही क्या, हर कोई व्यक्ति सहज रूप से स्वीकार कर लेता है, अपना लेता है। और भगवान में महापुरुष लक्षण होता है सिंह हनु, उनकी जो ठोड़ी होती है वो चौड़ी होती है सिंह की तरह परिपूर्ण आकार की। तो कौन सा पुण्य कर्म है जिस पुण्य कर्म के कारण ये महापुरुष लक्षण मिला? तो भगवान कहते हैं अपने पिछले जन्म में मनुष्य होकर उन्होंने ये पुण्य कर्म किया था कि उन्होंने कभी भी निरर्थक बात नहीं की, हमेशा अर्थवादी, धम्मवादी, विनयवादी, सत्यवादी, इस तरह हमेशा सार्थक ही बात कही, कुछ ना कुछ उसमें सार निकलने की ही बात की। इस पुण्य कर्म के प्रभाव से उनको ये लक्षण प्राप्त हुआ। इस लक्षण से युक्त अगर चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो अपराजित बनता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, वो विजयी बनता है, अजेय बनता है। और भगवान तो भगवान सब मारसेना को तो पराजित करते हैं, सारे ब्रह्मांड को जीत लेते हैं। इस तरह भगवान को ये इस महापुरुष लक्षण के प्रभाव से ये लाभ होता है। और भगवान का महापुरुष लक्षण है समदंता, यानी उनकी दंत पंक्तियाँ समान होती है। ये किस कारण? शुद्ध और उनके दांत भी शुद्ध रूप होते हैं, ये किस पुण्य कर्म के कारण? तो भगवान कहते हैं उन्होंने अपने पिछले जन्म में मनुष्य लोक में ऐसा पुण्य कर्म किया होता है कि सम्यक आजीविका जिस बात में वही कर्म किया, मिथ्या आजीविका को त्याग कर सम्यक आजीविका को धारण किया और हमेशा किसी को भी कष्ट पहुँचे ऐसा कर्म कर स्वयं की आजीविका नहीं चलाई। तो इस सम्यक आजीविका के कारण उनको ये दो लक्षण प्राप्त हुए। और इस कारण भगवान कहते हैं अगर वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए इस महापुरुष लक्षण से युक्त तो उनको शुद्ध परिवार मिलता है, और भगवान सम्यक संबुद्ध बन जाए तो भगवान कहते हैं उनको भी बहुत ही शुद्ध अठपुरुष पुद्गल परिवार मिलता है। ये है तथागत के महापुरुष लक्षणों की विशेषता। ऐसे हमारे भगवान महापुरुष लक्षणों से युक्त बनकर महागुणवंत है, सभी गुणों से संपन्न है। तो ऐसी श्रद्धा भगवान के प्रति हो तो हमारा लाभ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सभी प्रिय मना पाते हमारे भी जीवन में हो तो आपको भी ये जितनी भी बातें बताई वो सब याद रख कर अपने जीवन में उतारो और अपना कल्याण करो। इसी में सही मायने में आपका भला है। ये मैंने जो धर्मोपदेश दिया, अगर आप और भी आगे पढ़ना चाहोगे, आगे सीखना चाहोगे तो सुत्त पिटक में दीघ निकाय में लक्खन सूत्र है, मेरा एक किताब है तथागत गौतम बुद्ध, उस किताब में पढ़ना तथागत के महापुरुष लक्षणों की विशेषता, ये चैप्टर पढ़ना, इसे और विस्तार से
जानने के लिए मिलेगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखो। मेरा यही उद्देश्य था कि आपको भगवान के गुणों का परिचय हो, भगवान के लक्षणों का परिचय हो, और साथ ही आपको भी उस प्रकार के पुण्यकर्म करने का सहकार्य हो, या और भी पुण्यकर्म करने की प्रेरणा मिले, या आप वैसा जीवन जिए जिस कारण आप वर्तमान में सुखी बने और इस जीवन को अर्थ प्राप्त करें। इस उदात हेतु से मैंने ये सभी बातें बताई हैं। समय के कारण थोड़ा संक्षिप्त बताने का प्रयास किया, लेकिन आशा है आपको ये सभी बातें समझ आई होगी। तो इस धर्मदान के प्रभाव से मैंने जो सब दानों को जीतने वाला पुण्य किया है, वो सब पुण्य आप सबको अनुमोदन करता हूँ, और दृश्य अदृश्य सभी सत्वों को अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आप सभी को सुख शांति मिले, आप सबको सुगति का लाभ हो, आप सबको परम निर्वाण का लाभ हो, यही कामना कर आशीर्वाद करता हूँ। सुखेन दुखा निरोगा हंतु निर्वाणं पच्चयो भवतु, सुखियो भला हो मंगल हो। साधु साधु साधु।